यो पानी छे इमें 100 ग्राम कड़ी डाल देला या उपड़ा ही ने अभी ने डंडा से हिला होला अब भाई मैं गोल डाल दिया कि थोड़ी देर रखनो छे नहीं अभी थोड़ी ठंडी जाओली ना कड़ी अब आप ताती जे ठंडी जाओली बेड़ जाओली फिर इन पाछा गोल कपड़ा से छान को ये पानी है ना गाड़ो गाड़ो जो आप कलीन को होता है दीवार पे जो पानी है ना वो काम में लेनो छे अब गोबन तो अगर 12 घंटा डाले अब काय करा अब उन्हें निकाला ना आपा चलो चलो अभी पोट ने निकाल रहा 12 धर देला अभी को पानी आ गई में गोबर को बढ़िया एक पानी निकल को दवाई निकलेगी अब यो पानी जे ना गोबर का तत्व निकल गा इका मायने पानी मांगा और अब सबसे पहली अपाई में गोमूत्र डाल देना ठीक ठीक 5 लीटर कितना 5 लीटर गोमूत्र डाल दिया ही मैं अभी मैं 1 किलो खेत की उपजाऊ मिट्टी डाल देना ही मैं अब माटी डाले बाद में सबसे बाद में ध्यान डाल जो सबसे बाद में डाल लो चुनो पहली कदमी मत डाल जो छाड़ एड़ो जियो अभी मैं इवें ढूंढा दे अब आपा इन्हें लकड़ी की सहायता से हिलाओना जब तक हिलाओना जब तक इवें भवर कड़ी ना बन जाओ भवर बन जाओ ना गोलो एकदम गोल गोलो गोलो दीख बना जाओ जे जब तक हिलाए जानो जी ना गोल गोल एक साइड हिलाओना जब तक पूरी गोली ना बन जाओ और पूरा भवर बनया बाद में फिर इन्हें दूसरी साइड घुमाओना या अपनी दवाई तैयार होगी बीज अमृत अच्छा तभी ने क्या काम ले इन बीज का माला छिड़क रहे थोड़ी सा पूरा बीज का माला छिड़क रहे थोड़ा सा मिला रहे और चना उन्हें छाया में सुकार 1 घंटा तक छाया में सुकार और फिर बीज में बीज आना खेत में बो दियो बनाई अभी हम काय काय बात में काय काय को ध्यान रखा दवाई ने बनावा जद एक तो गाय को गोबर ताजा होना चाहिए मूत्र गाय गोमूत्र ताजा होना चाहिए और गाय बीमार ना होनी चाहिए और सारी सामान सामग्री जो है सही मात्रा में होनी चाहिए कमती बत्ती न होनी चाहिए ये दवाई के बारे में बताए जो तो थान बहुत बहुत धन्यवाद मैं संभव लोग यहाँ नहीं बताऊ राम 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 राम